कितना लेट हो गया यार, कभी भी ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंच पाती मैं। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर। सर बस अभी महारानी का फ्लाईओवर पे जाम में फंसी हुई हूँ बस। सर वो एक्चुअली जाम लगा हुआ है, सारी गाड़ियाँ वगैरह रुकी हुई हैं बिल्कुल, अब पता नहीं कब तक चलेगी। उसके बाद मतलब देखती हूँ जैसे ही जाम क्लियर होता है मैं ऑफिस ही आ रही हूँ सर। अच्छा ओके सर। हे भगवान, कुछ नहीं मिल रहा, यही पहन लेती हूँ, इसमें आयरन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बॉटम ये पहन लेती हूँ। ये मैंने आयरन करने के आलस के चक्कर में पहन तो लिया, लेकिन लग रहा है कि पहन के पैदा हुई थी। नमस्ते, मैं हूं अनुपमा और आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं 10 बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो बहुत इजीली आप अपना वार्डरोब या जो भी क्लोजेट है या अलमारी, लोहे की अलमारी, जो भी चीज आपके पास है उसको बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, क्लटर फ्री रख सकते हैं। और जो भी मैंने टिप्स शेयर किए इस वीडियो में वो ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स हैं, तो इसमें ये टेंशन नहीं है कि ये काम करेगा आपके लिए कि नहीं करेगा। मैं अपने ऊपर भी इनको आजमा चुकी हूं और काफी टाइम से मतलब मैं इनको फॉलो कर रही हूं, जिससे कि मेरा वार्डरोब सही रहता है। और इस वीडियो में जो मैंने वार्डरोब दिखाया है स्टार्टिंग में वैसा नहीं रहता बिल्कुल भी, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि ऐसा ही रहता है। तो ये तो मैंने वीडियो के लिए अपने कपड़ों की, अच्छे अच्छे कपड़ों की इतनी दुर्गति करी है। तो खैर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, जो भी आपके पास कपड़े हैं सबको बाहर निकाल लीजिए, एक जगह पर निकाल के इकट्ठा कर लीजिए। और अगर आप बेड पर अपने कपड़े रख रहे हैं, ऑब्वियसली कबर्ड के पास बेड ही होता है, लोग बेड पे ही जनरली रखते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि बेड आपका, बेड के ऊपर पहले से कुछ सामान बिखरा ना हो, नहीं तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा वो सामान ढूंढना, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो एक बार मतलब पूरी तरीके से सही करने के लिए थोड़ा सा बिखरा हुआ होगा, ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा बिखरेगा, लेकिन जो मैं टिप्स बता रही हूँ अगर उस तरीके से आप इसको अरेंज करके रखेंगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि फिर से इस तरीके से इस हालत में आए। तो कई बार हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ बस सब हो चुका, अब नहीं होने वाला है, तो आपको हिम्मत करनी पड़ेगी और बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के इस पे लगना पड़ेगा। टिप नंबर 2, अपने कपड़ों को आप डिवाइड कर लीजिए अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे कि हैवी पार्टी वियर, इसमें मेरे हस्बैंड की शर्ट कहाँ से आ गई, और उसके बाद कुछ इवनिंग वियर जिसमें कि, या ऐसे ही जो दिन के फंक्शंस के लिए यूज़ होते हैं कपड़े उनको अलग कर लीजिए, फिर लाउंज वियर या नाइट वियर उनको अलग कर लीजिए, और डेली या ऑफिस वियर अगर आप घर पे रहते हैं तो उसमें जो डेली वियर है आपके, या अगर आप जॉब करते हैं तो ऑफिस वियर उनको अलग कर लीजिए। तो मतलब टोटल 4 कैटेगरीज हो गई, और उसमें चाहे विंटर वियर हो चाहे कुछ भी हो उनको आपको सेपरेट नहीं करना है, सिर्फ आपको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है चाहे कोई भी कपड़े हो। तो इसमें तो ये थोड़े से ही कपड़े मतलब मैंने दिखाए हैं, पर जैसे कि हैवी साड़ी वगैरह जो भी आपके हैवी पार्टी वेयर, उन सबको कई लोग एक साथ ही कबर्ड में रखते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होता है और जो चीज़ें हमें ढूंढनी है वो नहीं मिल पाती हैं। तो पहले मेन 4 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर लीजिए, उससे आसान हो जाएगा। जैसे ये साड़ीज़ हैं मेरी, तो इन साड़ी को मैं जो कोई पूजा वगैरह होती है या दिन के कोई फंक्शन होते हैं उन्हीं में डालती हूँ, तो घर में वैसे मैं रेयरली साड़ी पहनती हूँ, तो इन सबको मैं अलग रख रही हूँ। और जैसे ये हैवी दुपट्टे वगैरह हैं, ये हैवी पार्टी वियर या इस टाइप के कपड़ों के साथ मैं रखूँगी, जैसे नीचे सिल्क का दुपट्टा है, और उसके अलावा जो कुछ और हैवी साड़ियाँ हैं मेरी जो हैवी पार्टी वियर, वो अभी मैंने इसमें नहीं निकाल मतलब रखे थे, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मतलब कुछ ही लेके आई थी मैं यहाँ पे। और उसके बाद जैसे नाइट वियर वगैरह, इसको फोल्ड करने के लिए आपको कुछ अलग से रूल की ज़रूरत नहीं है, इसको आप सिंपली रोल करके रख सकते हैं।
आप ऑर्गेनाइजर्स यूज कर सकते हैं या साड़ी कवर्स यूज कर सकते हैं ये हैवी जो मैंने कपड़ों के स्टैक लिए। करके रखा है ये कभी कभार बाहर जाने वाले कपड़े हैं, मतलब हल्के फुल्के छोटे मोटे ओकेजन के लिए या दिन के लिए। और इधर मैंने रखे हैं कुछ जो हैवी थोड़े से हैं, और ये साड़ियां भी वैसे भी मैं जैसे कभी मंदिर वंदिर जाना हो उसके लिए, और ये भी वैसे ही हैं। इसमें चाहे विंटर वियर थे या जो भी थे मैंने इनको अलग करके रख दिया है। तो पहले जो ये स्टैक्स हैं इनको पहले मैं हटाऊंगी, चाहे ये साड़ी कवर्स या ऑर्गेनाइजर्स आते हैं उनमें रखूंगी, और उसके बाद चाहे बेड बॉक्स या किसी और चीज में रख दूंगी, तो उससे मेरा जो कवर्ड का स्पेस है बहुत सारा खाली हो जाएगा। उसके बाद फर्दर हम डिवीजन करेंगे। मार्केट में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजर्स आते हैं, जैसे ये ऑर्गेनाइजर है तो ये अभी मैं रिसेंटली मैंने परचेज़ किया था, तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब प्राइस के हिसाब से। आप चाहे तो मैं इसका लिंक दे दूँगी। तो अगर आप इस टाइप के ऑर्गेनाइजर्स में अपने अलग अलग सीज़न के कपड़े रखते हैं तो एक तो वो सेफ़ रहेंगे, और दूसरी बात आपको मिल जाएंगे कि हाँ आपने कहाँ पे रखा है। जैसे मैं इसमें रख रही हूँ जो नॉर्मल दिन के टाइम के, दिन के फंक्शंस वगैरह के टाइप के कपड़े, तो उन सबको मैं एक साथ रख रही हूँ क्योंकि ये डेली तो यूज़ होते नहीं है। अगर आपके कबर्ड में स्पेस है तो आप नीचे के सेक्शन में रख सकते हैं या पीछे के सेक्शन में रख सकते हैं, अगर पीछे स्पेस है, डीप ज़्यादा डीप शेल्फ्स हैं तो। नहीं तो आप इनको बेड बॉक्स में रख सकते हैं या और जो भी आपके पास घर में स्पेस हो तो वहाँ रख सकते हैं, या कोई आपके पास पुरानी सूटकेस हो तो उसमें भी आप इन सबको रख सकते हैं। जैसे ये मेरा एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। उसके बाद जो साड़ीज़ वगैरह हैं तो उनको मैं रख रही हूँ। इसमें कुछ नॉर्मल साड़ियाँ हैं और ये साड़ी मैंने इसमें ही रखी है। इसको मैं दिन के फंक्शन में पहन सकती हूँ और रात के फंक्शन में भी, है तो हैवी लेकिन कलर लाइट है। उसके बाद जो ये दुपट्टे और शॉल वगैरह, ये इसको मैं इसमें रख रही हूँ। तो ये छोटा मतलब कम थे तो ये छोटा वाला ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ। टिप नंबर 4, जो भी आपके डेली वियर या ऑफिस वियर हैं उनको आप सीज़न के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ये मेरे डेली वियर हैं, या अगर मैं जॉब करती थी तो ये मेरे ऑफिस वियर हुआ करते थे, तो अब मैं इनको सीज़न के हिसाब से डिवाइड कर रही हूँ। जैसे आपके एरिया में या आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ जिस टाइप के सीज़न होते हैं उस हिसाब से, ऑब्वियसली सब सीज़न के हिसाब से ही कपड़े पहनते हैं। जैसे कि अभी दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में अभी विंटर्स चल रही है, तो मैं वुलन टाइप के कपड़े या थोड़े हैवी या डार्क कलर्स निकाल रही हूँ, और जो स्लीवलेस पतले कॉटन वाले सूट हैं उनको मैं हटा रही हूँ। जो मतलब गर्मियों के कपड़े हैं या समर के कपड़े हैं उनको मैं हटा रही हूँ क्योंकि वो अभी विंटर में काम तो आएंगे नहीं, और जैसे ये है ये मॉनसून के लिए सही है, और ये डार्क कलर्स ब्लू मेरे कबर्ड में ज़्यादातर ब्लू 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 या ब्लैक यही कलर है, शनि या राहु का कलर है खैर। और जो ये वुलन सूट हैं ये कुर्ते हैं ये मैंने निकाले हैं, और जैसे ये रेड ये सब कलर विंटर्स में चल जाते हैं। उसके बाद जैसे ये है तो कॉटन लेकिन ये थोड़ा थिक है तो इसको मैं निकाल रही हूँ विंटर के लिए, और जो भी पतले कॉटन है गर्मियों के उनको मैं हटा रही हूँ। और ये लखनवी कुर्ते हैं लेकिन ये थोड़े थिक कपड़े में हैं तो इसको मैं रख रही हूँ विंटर के लिए, मतलब इसको ऐसे भी पहन सकती हूँ, फुल स्लीव है। और ये स्लीवलेस कुर्ते वगैरह ये तो ऑब्वियसली समर में ही जाएंगे। और ये कुछ कपड़े मुझे जो निकालने हैं डिस्कार्ड करने हैं उनको भी मैं अलग अभी एक बास्केट में रख रही हूँ। टिप नंबर 5 कि जो भी आपने मॉनसून के कपड़े या समर के कपड़े या जो सीज़न अभी नहीं है उसके कपड़े निकाले हैं उनको भी आप ऑर्गेनाइजर्स में रख लीजिए, या ऑर्गेनाइजर्स में अगर आप नहीं भी रखते हैं तो अगर आपके कबर्ड में स्पेस है तो उसको इस टाइप के ऑर्गेनाइजर्स में डाल के नीचे की तरफ रख दीजिए, जिससे कि इस पर धूल ना पड़े और एक साथ ही पूरा कबर्ड आपका बिल्कुल क्लटर्ड ना दिखे, क्योंकि एक साथ हम सारे सीज़न के कपड़े तो पहनते नहीं हैं। तो बेटर है अगर कबर्ड छोटा है, या अगर हम एक कबर्ड में बहुत सारे लोगों के कपड़े मतलब 2-3 लोगों के कपड़े रखते हैं तो हमें अगर ये ट्रिक हम यूज़ करते हैं तो हमारा बहुत सारा स्पेस भी बचता है और हमारी जो कवर्ड है ऑर्गेनाइज रहती है। और जैसे ये कुछ बॉटम्स भी हैं वो भी मैंने इसमें रखे हैं जो सिर्फ गर्मियों के यूज़ के हैं, तो ये मेरे समर के कपड़े हैं, ये आप देख सकते हैं इसने काफ़ी सारा स्पेस उसमें वार्डरोब में घेरा हुआ था। उसके बाद इसमें कुछ है मॉनसून टाइप के और कुछ एकाध मुझे हटाने हैं क्योंकि वो
टाइट आ रहे हैं, कोई मुझे पसंद नहीं है, तो खैर इनको मैं इसमें रख रही हूँ। और अब मेरे पास ये कपड़े बचे हैं, इनको अरेंज करना है। टिप नंबर 6, अपने कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप बास्केट्स यूज़ कर सकते हैं या ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। ये आपके स्पेस को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है और आपकी चीज़ों को बिखरने नहीं देता जल्दी। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप बास्केट्स परचेज करें तो पहले अपने कबर्ड का मेज़रमेंट ले लें या उसका नाप लें इंच टेप से, उस हिसाब से आप परचेज करें। और जैसे मैं दुपट्टों को रखती हूँ इस तरह से, शिफॉन वगैरह के दुपट्टे होते हैं या कॉटन के भी होते हैं, तो इस तरीके से रोल करके फिर उनको रखती हूँ, जिससे कि मुझे ढूंढने में इजी हो जाता है थोड़ा। और वर्टिकल पोजीशन में होते हैं तो जिससे कि सब कुछ एक बार में ही दिख जाता है मुझे कि हाँ मेरे पास कितने दुपट्टे हैं। और ये जो रेगुलर यूज़ वाले दुपट्टे हैं वही हैं इसमें, और बाकी जो हैवी दुपट्टे हैं वो खैर मैंने अभी इसमें दिखाया नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े दिखाने भी नहीं चाहिए, रिश्तेदार भी देखते हैं वीडियो। खैर मजाक बहुत हो गया। उसके बाद जैसे अगर आप ऑर्गेनाइजेशन आपकी अच्छी है, आपके पास टाइम है ऑर्गेनाइज करने का चीज़ों को, तो आप चाहे अपने कबर्ड में ऐसे भी कपड़े रख सकते हैं, नहीं तो बास्केट्स में जैसे वर्टिकल पोजीशन में इस तरीके से कपड़े रख सकते हैं, जिससे आपको हर एक चीज़ एक बार में दिख जाए। नहीं तो ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है हमें दिखती नहीं है, या दिखता भी है तो हम एक निकालते हैं तो उसके साथ 10 आ जाते हैं, इसमें एक निकालेंगे एक ही आएगा। और ये हर एक हमें विजिबल है, ये मेरे बॉटम्स हैं, इनको मैंने एक बास्केट में रखा है। उसके बाद ये लेगिंग या चूड़ीदार, कॉटन की चूड़ीदार, ये भी मैंने बहुत कम रखे हैं और इसमें आधे से ज़्यादा स्पेस खाली है। टिप नंबर 7, आपके कबर्ड में कुछ मेवी आइटम हो या कुछ अनकंफर्टेबल आइटम हो उसको हटा दीजिए। जैसे मेरे पास ये चूड़ीदार है, कॉटन की चूड़ीदार, तो ये अब मैं जैसे घर पे रहती हूँ तो अब ये मेरे लिए थोड़ा यूज़लेस टाइप की चीज़ है, क्योंकि घर पे तो ऐसे लगता है बस कंफर्ट होना चाहिए, कोई भी कपड़े पहनो कंफर्टेबल होने चाहिए। तो इनको मैंने हटा दिए हैं और इनको मैं सोच रही हूँ या तो क्या करूँ, कुछ रीयूज़ करूँ या कुछ भी करूँगी, लेकिन ये अब मुझे यूज़ नहीं होते। जब मैं जॉब करती थी तब चलता था, लेकिन घर में तो जितना कंफर्टेबल हो उतना ही सही है। तो आप अपने हिसाब से कपड़े उसमें रख सकते हैं। कुछ इस टाइप के आइटम हैं अगर आपकी कबर्ड में जो कि आपको फिट नहीं आते या आपको कंफर्टेबल नहीं लगते, तो उनको हटा दीजिए। और कुर्ते वगैरह आप बहुत तरह से रख सकते हैं, चाहे तो हैंग करके रख सकते हैं, या जैसे मैं बास्केट में बता रही हूँ वैसे रख सकते हैं, या इस तरीके से स्टैक करके रख सकते हैं। स्टैकिंग में प्रॉब्लम ये होती है कि जल्दबाजी में जब हम कपड़े निकालते हैं तो एक के साथ कई कपड़े आ जाते हैं, फिर उनको अरेंज करने में दिक्कत होती है। तो अगर आप के पास टाइम की शॉर्टेज है तो कोशिश करिए या तो हैंग करके रखिए या बास्केट्स में रखिए। बास्केट्स में रखने में ये होता है कि कपड़े थोड़े ऑर्गेनाइज लगते हैं और हर चीज़ हमें एक बार में दिख जाती है। ये हो गया और मैंने लगभग 20, हाँ इसमें 18 है, और लगभग 20 के करीब कुर्ते ये मैंने निकाले हैं, मतलब विंटर्स के लिए निकाले हैं 20 या जो भी है, एक दो ऐसे धुलने के लिए होंगे, धुलने के लिए नहीं धुले हुए हैं वो सूख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में 20-22 काफ़ी हैं एक सीज़न के लिए, बाकी किसी ने मना तो करा नहीं है। अगर आपने अलग रख दिए तो अगर आपका मन करे समर वाले कपड़े विंटर में पहनने का तो वो पहन सकते हैं। इस तरीके से मैं फोल्ड करके सारे कपड़ों को रख रही हूँ, तो वो डिपेंड करता है आपके बास्केट की साइज़ क्या है, उस हिसाब से आप फोल्ड करके रख सकते हैं। तो ये जो भी कपड़े हैं इसमें ज़्यादातर अनआयरन्ड हैं, तो अगर आप सही से फोल्ड कर देंगे तो उतना आयरन की भी ज़रूरत नहीं है। और शॉल वगैरह जो है, जो भी मैं रेगुलर डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ, वो मैं हैंग करके रख रही हूँ। और एक बास्केट खाली है क्योंकि 2-3 कपड़े अभी मेरे सूख रहे हैं ऊपर, तो वो उसमें मैं डालूंगी। और थोड़ा स्पेस खाली रहता है कवर्ड में तो थोड़ा ऐसे लगता है सांस आ रही है, मतलब थोड़ा अच्छा सा फील होता है। और आजकल के टाइम में बहुत कमी लोगों के घर में ऐसा दिखने को मिलता है कि कवर्ड में थोड़ी स्पेस बची हो, नहीं तो जनरली महाभारत ही कर रहे होते हैं कवर्ड में, कैसे और कपड़े रखें। और उसके बाद जो नाइट वेयर, लाउंज वेयर जो भी है, उसको आप रोल करके कोई बड़ी सी बास्केट में ऐसे रख सकते हैं, इसमें कोई बहुत अच्छी तरह फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, रात को ही तो पहनने हैं बस। और एक मेरे पास इकलौती बेल्ट है जो कि मैं कभी नहीं लगाती। टिप नंबर 8, आप मल्टी कंपार्टमेंट बॉक्स या छोटे छोटे बहुत तरह के ऑर्गेनाइजर्स आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने अंडरगारमेंट, सॉक्स और भी छोटी छोटी चीज़ें, हैंकी वगैरह रखने के लिए, जिससे कि ये चीज़ें बिखरी हुई ना लगें।
टिप नंबर 9, जब आप स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, तो शॉपिंग साइट्स को अवॉइड करें या बाहर शॉपिंग जाना अवॉइड करें, क्योंकि जब हम टेंशन में होते हैं तो हम टेंशन दूर करने के लिए हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें और हम अननेसेसरी चीज़ें खरीद लेते हैं। उसके बाद वो चीज़ें हमारे घर में अलग से ही क्लटर क्रिएट करती हैं, जिससे कि हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो बेटर है जब आप बहुत टेंशन में हो तो जितना ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा होगा तो उतनी अच्छी तरह आप सफाई कर पाएंगे, खूब जोर लगा के आप सफाई कर सकते हैं। या अगर आपको इंटरेस्ट है डांसिंग का या डांस करने का शौक़ है तो आप डांस कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, या कोई अपना फेवरेट म्यूज़िक सुन सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसा काम आप कर सकते हैं जिससे कि आपका स्ट्रेस दूर हो जाए। और शॉपिंग अगर आप उस समय करेंगे तो ऑब्वियसली आप उल्टी पुल्टी चीज़ें खरीदेंगे, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है और मेरा ही नहीं, कई लोगों का आजमाया हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और जैसे कि कुछ ऐसे एरिया होते हैं ना हमारे घर के जो बहुत ईजिली क्लीन नहीं होते, तो गुस्से में करेंगे तो बहुत ईजिली वो साफ़ हो जाएंगे। टिप नंबर 10, जो भी आप कपड़े ख़रीदते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो सेट के साथ ख़रीदा करें। जैसे कि अब ये एक बॉटम है, इसके साथ कितने कुर्ते, हम लोग 4-5 कुर्ते, 6 कुर्ते, कई बार 10-10 कुर्ते एक बॉटम के भरोसे ख़रीद लेते हैं। जैसे ही सेल लगी, बॉटम का हमें पता नहीं हमने ट्राउज़र लेना है, सलवार लेनी, क्या ख़रीदना है, और बस हम खरीदते गए जो भी कुर्ते नए नए डिज़ाइन के आए, उसके बाद एक तो हमने पहन लिया एक के साथ और उसके बाद दूसरे जो पहनने हैं तो फिर हमारे पास है ही नहीं। या कभी जल्दबाजी में हमें मिक्स एंड मैच करने का टाइम नहीं मिला, तो बेटर है कि या तो आप सेट के साथ ख़रीदें या सेट के साथ लगा के रखें, तो उससे आपको बहुत ही आपका टाइम बचेगा और आपका माइंड टेंशन फ्री रहेगा, क्योंकि इसमें भी एक थोड़ा सा एनर्जी हमारी जाती है कि सुबह सुबह ये टेंशन हो जाती है कि किसके साथ क्या मैच करके पहनना है। सेट बना रहेगा तो उसे टाइम बचेगा, जैसे पहले मतलब सूट पीस आते थे पूरे, तो उसमें ये टेंशन नहीं होती थी, पूरा सलवार सूट दुपट्टा होता था, तो अब ज़्यादा थोड़ा सा मतलब लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गई है। टिप नंबर 11, एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपका कोई मतलब जो भी आप हफ्ते में 2-3 बार जितनी बार भी कपड़े धोते हैं या फोल्ड करते हैं, सुखा मतलब प्रेस करते हैं, सबका एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। ये नहीं कि किसी हफ्ते आपने पूरे हफ्ते कपड़े धो लिए और किसी हफ्ते आपने बिल्कुल भी नहीं धोए तो और इकट्ठे होते गए कपड़े, उससे क्या होगा, कपड़े इकट्ठे होते रहेंगे, लॉन्ड्री बास्केट में जमा होते रहेंगे और आपको पहनने के टाइम पे मिलेगा नहीं कुछ, और फिर उसके बाद आप शॉपिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, टाइम भी वेस्ट होगा और एक्स्ट्रा क्लटर भी क्रिएट होगा घर में। तो बेटर है एक रेगुलर लॉन्ड्री रूटीन रखें, और जैसे जो डेली कपड़े आप धोते हैं तो कोशिश करें उसे डेली फोल्ड कर लें, और अगर आप घर पे आयरन करते हैं तो अगर आप डेली टाइम नहीं निकाल सकते तो एक पर्टिकुलर रूटीन बना लीजिए। जैसे मैं 2-3 दिन पे करती हूँ अपने कपड़े, क्योंकि सिर्फ मुझे अपने ही करने होते हैं, मेरे हस्बैंड के बाहर से मैं कराती हूँ और मेरा बेटा वो खुद करता है, तो मुझे अपने कपड़े ही करने होते हैं जनरली, तो इसलिए मैं 2-3 दिन पे कर लेती हूँ। और जब हस्बैंड के भी करने होते हैं तो फिर मैं 2 दिन पे करती हूँ। तो आप अपने फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से या अपने टाइम के हिसाब से प्रॉपर एक लॉन्ड्री रूटीन बना सकते हैं, या बाहर से करवाते हैं तो उसका भी आप बनवा लीजिए कि कब आपको कपड़े देने हैं प्रेस के लिए, कब लाने हैं। टिप नंबर 12, हमेशा एक चीज़ नई ख़रीदें तो एक चीज़ जो भी आपके पास है उसको ज़रूर निकालें, अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो जैसे ये कुर्ता मैंने नया लिया तो मैं कोशिश कर रही हूँ एक नहीं तो और ज़्यादा निकाल सकूँ तो और अच्छी बात है, तो वो निकाल सकूँ। तो उससे ये होगा कि जब भी मुझे निकालना होगा, मतलब कुछ नया परचेज़ करना होगा, तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है हटाने के लिए तो मैं वो चीज़ नहीं खरीदूंगी, इससे पैसे भी बचेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और अगर आपको लगता है ये वीडियो सही में हेल्पफुल हो सकती है और लोगों के लिए भी, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं।